हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का वचन, जीवित चर्च का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन इज़रा 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामिन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए। मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह हैं तो आप एक बीज हैं। एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बाइबल में लिखा है कि कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों पर और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और कोई 30 गुना 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आया। जो 100 गुना फल लेकर आया और जो मार्ग के किनारे गिरा, क्या उन दोनों बीजों में कोई फर्क था? क्या गुणवत्ता का फर्क था? नहीं। बोने वाले के हाथ में जो बीज था वह सब एक ही प्रकार का था, पर स्थान मायने करता है कि पहला बीज कहाँ गिरा, दूसरा बीज कहाँ गिरा, तीसरा बीज कहाँ गिरा और चौथा बीज कहाँ गिरा। हो सकता है कि आप 100% उत्तम वाले बीज हो, पर सही स्थान पर ना होने के कारण शैतान आपको परेशान करे। मेरे प्रियो, आप कोई भी चर्च जाएं, लेकिन याद रखें वह चर्च जीवित होनी चाहिए। कोई भी मिशन हो, मिशन देकर कभी चर्च मत जाओ। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसमें 100 गुना फल लाने की क्षमता नहीं हो, लेकिन अगर आप सही स्थान पर नहीं है तो आपकी क्षमता जो आपके अंदर है वह बाहर नहीं निकल सकती। आपको सही बात समझनी है कि अगर 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री बोलती कि काश काश परमेश्वर यहाँ से निकलता तो मैं उसे शूकर चंगी हो जाती, ऐसे 100 तरह के बहाने वह लगा सकती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि जहां यीशु मसीह है वहां मैं चलकर जाऊंगी और भीड़ को चीर कर अपनी चंगाई को लूंगी। मेरे प्रियो, अभिषिक्त चर्च में आने के लिए आपको मूल्य अदा करना होता है, क्योंकि इसका मूल्य मैं जानता हूं। मुझे अपने आत्मिक पिता से मिलने के लिए कितने प्लेन बदलने पड़ते थे। अभिषिक्त संगतियों के लिए आप सुबह 5 बजे आते हैं, वह भी एक मूल्य है, क्योंकि शैतान जानता है कि ये एक उपजाऊ भूमि है जहां परमेश्वर लोगों के समस्याओं का समाधान करता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक जीवित चर्च की बड़ाई कर रहा हूं जो जीवित हैं। मेरे प्रियो, आपका स्थान मायने नहीं करता है कि आप कहां बैठे हो, बल्कि मायने ये करता है कि आपका सिखाने वाला कौन है, आपकी चर्च कैसी है। अगर एक व्यक्ति मुझे मुंबई में ऑनलाइन सुन रहा है तो वह खांबरा चर्च हर रविवार तो आ नहीं सकता, लेकिन वह एक जीवित चर्च को ढूंढे। शैतान रुकावट डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सही स्थान पर जाने का मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप सच में जीवित चर्च का हिस्सा हैं तो आप आशीषित हैं। आमीन। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सही आत्मिक स्थान पर ले चलें और मुझे अभिषिक्त करके खड़ा करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।